हमारी मंजिल रामकोट फोर्ट है। ये रामकोट फोर्ट 900 साल पुराना किला है जो गौरी सलातीन के टाइम पे बनाया गया और यहाँ रामचंद की पैदाइश हुई, रामायण के जो हीरो हैं उनकी पैदाइश हुई। जब ये मंगला डैम बना तो डैम की वजह से पानी जब वाटर लेवल अप हो जाता है तो ये किला चारों साइडों पे पानी से घिर जाता है। जब वाटर लेवल लो होता है तो फिर एक साइड पे इसको ज़मीनी रबता इसका बहाल रहता है और बट इसके ऊपर जाने के लिए काफ़ी बुलंदी पे है। ये ऊपर जाने के लिए आपको तकरीबन 440 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और ये डिफेंसिव हवाले से उस वक्त बनाया गया। बट जब ये मंगला डैम बना उस वक्त ये एक मंगला डैम का ही हिस्सा बन गया और ये लोगों की एक्सेस से दूर रहा। अभी भी ये काफ़ी अच्छी हालत में है और अगर इसको टूरिस्ट के लिए खोला जाए और थोड़ा इसको रेनोवेट किया जाए तो मेरे ख्याल में हम टूरिस्ट की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ आ सकती है और इसको हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको प्रमोट किया जाए तो पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आ सकते हैं क्योंकि इससे जुड़ी जो तारीख है वो काफ़ी अहम है और इससे जुड़े जो यादें हैं, इससे जुड़ी जो सकाफत है, इससे जुड़े रिश्ते हैं वो ज़्यादा अहम हैं और इससे हम बहुत कुछ अर्न भी किया जा सकता है और ज़रे मुबादला भी कमाया जा सकता है और इसको एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे भी सामने लाया जा सकता है। तारीखी रामकोट किला जो पोठोहार के पोठोहार रेंज में डिफरेंट फुरवाला किला, रबात किला और दीगर जो किले हैं, संगनी किला, इस तरह के जो किले एक डिफेंसिव मकसद के लिए बनाए गए उसमें ये सबसे अहमियत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये झेलम दरिया और पूंछ दरिया के संगम पर बनाया गया ये और इसके ये काफ़ी बड़ा किला है और इसमें अंदर काफ़ी फौजियों के क़याम के लिए बैरिक्स बनाई गई हैं, अंदर तालाब है पानी को स्टोर करने के लिए और मोर्चे बनाए गए हैं। इनके इसके दाखिली दरवाजे के साथ एक मंदिर भी बनाया गया क्योंकि ये अर्ली हिंदू पीरियड के टाइम का ये किला है। बाद में इसकी तामीर कई अदवार में, कई सलातीन के दौर में होती रही, इसकी इसको रेनोवेट भी किया जाता रहा, इसमें इजाफा होता रहा, इसकी तामीर भी होती रही और इसमें मुख्तलिफ किस्म के पत्थर ज़्यादा इस्तेमाल करके इसकी जो आउटर वॉल है वो पत्थरों से बनाई गई है और इसमें काफ़ी इसको मजबूती के हिसाब से अपने हमलावरों से बचाने के लिए उन्होंने इसको उस हवाले से इसकी तामीर की गई और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसको महफूज बनाया गया। किले तक पहुंचने के लिए तकरीबन 440 सीढ़ियां चढ़ के आप किले तक पहुंच सकते हैं। रामकोट फोर्ट डिफेंसिव हवाले से तामीर किया गया। कश्मीर के जितने भी इलाके हैं वो बेहद खूबसूरत हैं, उसमें रामकोट एक ख़ास अहमियत रखता है। रामकोट 900 साल कदीम किला है, ये अपनी खूबसूरती और अपने लैंडस्केप के हवाले से बहुत ही अहमियत रखता है और ये किला 1500 कब्ल मसीह में कायम किया गया और यहाँ रामायण के हीरो रामचंद्र ने जन्म लिया था। तारीखी हवालों से रामकोट फोर्ट 1186 में गौरी सलातीन ने इसकी तामीर की। सुल्तान गयासुद्दीन ने इसमें काफ़ी तब्दीलियां की और इसको नए सिरे से तामीर किया। जो एक्सेस है इसकी वो थोड़ी ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ के आपको किले तक पहुंचना पड़ता है और उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा करेज चाहिए। बट जो नेचर लवर हैं, जो हिस्ट्री के आर्कियालॉजी लवर हैं, उनके आगे ये सीढ़ियाँ या ये दुश्वारियाँ बिल्कुल सामने नहीं आती, रुकावट नहीं बनती। तो इसको आप अपनी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आपकी फ्यूचर की डेस्टिनेशन है
उसमें इसको शामिल कर कीजिएगा और इसको एक बार ज़रूर देखें। जब से मंगला डैम की तामीर हुई, ये किला डैम का हिस्सा बन गया और ये चारों साइडों से पानी में घिर गया। और जब वाटर लेवल लो होता है, ख़ासतौर पर सर्दियों में जैसे ही पानी की सतह नीचे होती है, तो उस वक्त ये ज़मीनी रास्ते से मिल जाता है। यहाँ तक पहुँचना काफ़ी दुश्वार गुजार है। बोटिंग के ज़रिए आप पूरा साल इस किले तक पहुँच सकते हैं। किले को मखसूस पत्थरों से तामीर किया गया और इसका मरकजी दरवाजे पर खास किस्म की ईंटें लगी हुई हैं और इसको काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। इसके जो बुर्ज हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं और जगह जगह आपको मोर्चे लगेंगे और खुफिया जगह बनाई हुई हैं जहां से दुश्मन पर नज़र रखने के लिए ख़ास तौर पे तामीर की गई हैं। यहां तक पहुंचते हुए काफ़ी थकावट हो गई क्योंकि ये बुलंदी पे वाक़ है और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और ये इनके जो रैंप बने हुए हैं उस तक उसके ज़रिए यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और ये देखें, ये साइड पे मोर्चे भी बने हुए हैं। ये पुराने वक्त की एक गन भी पड़ी हुई है और ये बेसिकली डिफेंसिव एंगल से बनाया गया किला है। एज सर्वेलेंस इसको यूज़ किया जाता था। ऊपर फौजियों के रहने के लिए बैरिक्स बनाई गई हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े हॉल हैं और बालकोनियाँ काफ़ी बनाई गई हैं और पानी को फौजियों के इस्तेमाल के लिए, पानी स्टोर करने के लिए तालाब भी बनाए गए। इसके तहखाने भी हैं जो अभी मिट्टी से भर चुके हैं और सीढ़ियां चढ़ के किले के मुख्तलिफ हिस्सों में जाया जा सकता है। जब किले पे नज़र पड़ती है तो लगता है कि ये अपने वक्त में एक आलीशान किला होता होगा क्योंकि ये अपने आर्किटेक्चर के हवाले से इनफरादी मकाम रखता है। ये किला न जाने कितनी सदियों से कई दास्तानों का अमीन है और पोठवार के किलों में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और इसकी देखभाल की जाए तो इस कीमती असासे को और एक कीमती सकाफ़ती विरसे को हम एक बेहतरीन सियाती मकाम में बदल सकते हैं। रामकोट फोर्ट को विज़िट किया, बहुत मज़ा आया। आज हमारा बड़ा एक्साइटेड डे था और अभी सूरज ग़ुरूब होने लगा है और ये हम अपनी इस साइट को विज़िट करने के बाद अभी हम बोटिंग के ज़रिए दोबारा अपनी डेस्टिनेशन पे वापस जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड तक हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।